ठीक है, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज नवरात्रा का पहला पूजा है और आज पूजा करने में काफ़ी लेट हो गई है क्योंकि मैं अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मॉर्निंग से सारा काम करने के बाद फटाफट फटाफट सारा काम किया और पहला दिन तो पूजा करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी मैं रेडी हुई हूँ और आज मैं पहनी हूँ साड़ी और इसके बाद मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रा। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज पहली पूजा का आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस। गाइस, तो यहाँ देख सकते हो कि मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली मैं पहला दिन पूजा काफ़ी लेट हो जाती है क्योंकि दिक्कत हो जाती है ना, बहुत सारे काम हो जाते हैं पूजा का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूजा के पहले की सारी चीज़ें हटा दी है। इसके बाद यहाँ पर छोटी प्रिंट वाला एक कागज़ लिया और सबको चिपकाया पूजा के स्थान को और सभी चीज़ों को धोया, सारे बर्तन और सब कुछ को धोने के बाद फिर मैं यहाँ सारा चीज़ें नया लाई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो माता की चुनरी, माला एंड वो जो आसन होते हैं, मैं हर बार चेंज करती हूँ और नया लाती हूँ और चुनरी भी हर बार चिपकाती हूँ ताकि एक साल में पुराना जैसा हो जाता है ना, तो फ्रेश फ्रेश लगे। तो मैं यहाँ नहा धोकर आ गई हूँ। आज पाला पूजा है और संडे भी थी तो मैंने साड़ी पहन रखा है। और यहाँ पर चूंकि मैं दुर्गा पाठ करती हूँ, यहाँ मैं पाठ करूंगी अभी और यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। और दुर्गा माँ का जो दुर्गा सप्तमी का मुख है उसमें और चालीसा में मैं टीका कर रही हूँ। और यहाँ पर सभी सभी को माला पहना दिया है, चुनरी चढ़ा दिया है और पूजा कर ली है। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ पाठ। मैं यहाँ दुर्गा पाठ जी। यहाँ पे देखिए, अब मैं अपनी दुर्गा पाठ क्या हो गया है, अब मैं आरती कर रही हूँ और आरती में मेरी बेटी भी शामिल हो गई है। तो वो क्या, वो अपना घंटी बजा रही है, उनका फेवरेट काम है, तो वो अपना काम कर रही है और यहाँ मैं आरती कर रही हूँ। और मेरी बाबू जब मैं पाठ कर रही थी ना, तो कई बार आई कि मम्मा पूजा कब खत्म करोगी, मम्मा पूजा कब खत्म करोगी, मुझे लड्डू खाना है। क्योंकि मेरी बेटी को लड्डू बहुत पसंद है, इसीलिए वो जो है ना लड्डू खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो अभी मैं पूजा फिनिश करने के बाद सबसे पहले उनको ही लड्डू दूंगी। गाइस, अब यहाँ पे मेरा आरती भी हो गया है, पूजा हो गया है। अब मैं वो धूमन वाला धूपबत्ती होता है ना, अब मैं वो जला रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं पहले नहीं जलाई, क्योंकि जब उनका धुआं होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है और मैं भूख नहीं पड़ पाती हूँ, मुझे गले में वो लगता है, इसलिए मैं सिंपल अगरबत्ती जलाई थी। और पूजा फिनिश हो गया, इसके बाद मैं वो धूपबत्ती जलाऊंगी और वहाँ पर भगवान जी के सामने रख दूंगी, नहीं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे सांस नहीं लिया जाता है। तो अब यहाँ मेरी बेटी इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी तो कि मम्मा कब मुझे लड्डू दोगी। तो फिर पूजा फिनिश होते ही सबसे पहले मैंने उसे लड्डू दिया और वो देखिए कैसे कैसे हरकत कर रही है, अपने फेस को क्या क्या कर रही है, कैसे बना रही है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना गाइस, तो वो मस्ती करते रहती है। गाइस, तो अभी हो रहे हैं शाम के 4:20 और हम लोग आए हैं अभी होंडा के शोरूम पूर्णिया में, क्योंकि मुझे स्कूटी लेना है। तो चाबी वाला जो है ना 93,000 समथिंग, चाबी वाला 93,422।
तो होंडा में दो समझ में आ रहा है, एक एक्टिवा और एक डियो, लेकिन हम लोग एक्टिवा को लेंगे क्योंकि काफी टाइम से रन कर रहा है। ओके तो आप एक बात बताइए, एक्टिवा का सिर्फ तीन ये अलग अलग ये लगा हुआ है, एक स्मार्ट है, 125 सीसी का कौन सा है एक्टिवा का? 125 सीसी ये भी है आपको, 125 सीसी ये बोल रहे हैं, 110 है फिर इसका 93,000 नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है 125, ये आपका 110 है, इसमें नहीं लिखा, इसमें नहीं लिखा है ना, उसमें नहीं लिखा, ये 93 93 नहीं, 98 शायद, तो कंफर्म हो, मेरा लक बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा चीजें होगी, 93 ही होगा। नहीं नहीं बताइए, कंपनी की तरफ से तो इसका देखिए, और हमको कलर और बताइए, कलर ऑप्शन। तो गाइस यहाँ पर अभी हम लोग और भी बहुत सारे लोग आए हैं जो देख रहे हैं स्कूटी, जो इंटरेस्टेड है, ढका हुआ था तो ज्यादा अच्छा कौन होता है, तो यहाँ पे मेरी बेटी को देखिए कैसे मस्ती कर रही है, घूम फिर रही है। और गाइज यहाँ पे छोड़ो बेटा, तो यहाँ पर कुछ वो देखिए, देखिए हमारे धामा के इधर फाइनेंस ऑफर निकल जाए, आज ही होंडा गाड़ी घर ले आए, और यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है ना गाइज फ्री है, अगर आप अगर स्क्रैच करते हो तो, ये पे वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, रिस्ट वॉश हो गया, फ्रिज हो गया, ऐसे अगर सोचेंगे अगर हमको फंसेगा बिना तो हम सोचेंगे ये और ये ना मिले हमको। वो पहले ऐसे खोलना होगा, अच्छा ये एलईडी लाइट है क्या? हाँ इसमें एलईडी लाइट है, इसमें बिना एलईडी लाइट का भी तो होगा ना, इसमें इंजन बहुत कम आता है, हाँ ज्यादा एलईडी लाइट ही है। अच्छा तो गाइस घुमा फिरा के मुझे ये स्कूटी पसंद आ रही है, इसका कलर रॉयल ब्लू है और ये हर कोई चढ़ सकता है। अब देखती हूँ कि भाई कौन हम सेलेक्ट करते हैं, फ्यूल वगैरह कैसे ये होता है, चलिए वहाँ से फ्यूल का ही खोलिए। इस तरह का वो स्मार्ट मैं पहली बार ले रही हूँ, तो मुझे फ्यूल ये क्या शीट तो ये थोड़े देगा, दूसरा पीस देंगे अंदर से, बोलो वो तो दूसरा पीस देंगे ना अंदर का। अच्छा इसी को दबा, भैया नंबर प्लेट कब तक मिल जाएगा? एक सप्ताह। अच्छा ठीक है, चलिए तो फिर डन कीजिए इसको। गाइस तो इस स्कूटी को हमने किया है डन, ये कलर और नहीं है इसका ऑफिस ठीक है, ओके कैश कैशलेस जैसे हो गया ना, कैश पेपरलेस। सब हम लोग यहाँ आ गए हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, है ना, स्कूटी का पसंद तो आ गया है, चलो अब ये देख रहे हैं और हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट। हे गाइस तो अभी हमने ब्लू कलर का स्कूटी, रॉयल ब्लू कलर का स्कूटी पसंद कर लिया है, तो अभी यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग का काम चलेगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का, और इसके बाद वो स्कूटी हमारी हो जाएगी। एक डेढ़ घंटे लगेंगे सारे प्रोसेस करने में, और इनके बाद आज नवरात्रा का पहला दिन है और हमारा स्कूटी तो तभी से सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा था, अब हो गया है। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं और बाबू देख रही है कार्टून, और इसके बाद इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी अभी रेडी हो रही है, इसके बाद लेके जाएंगे। और अभी दुर्गा पूजा के उपलक्ष में यहाँ पे कुछ सारे ऑफर हैं, और देखिए ऑफर में क्या है, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट मोबाइल, हेलमेट, सैमसंग का टीवी, स्मार्ट वॉच और रेफ्रिजरेटर, इन सब चीज़ों एक्चुअली में क्या है ना, तो ये सब चीज़ें जो है वो स्क्रैच करने के बाद मिलेगा, और स्क्रैच में जिनको जो मिलेगा तो
तो वो ले जाएंगे घर, तो आज तो नहीं, कल नहीं परसों ये बुला रहे हैं कि भाई अभी वो जो स्क्रैच का ये है वो आया नहीं है, वो आ जाएगा, तो मैडम प्लीज़ आप आ जाइएगा और आपका जो भी गिफ्ट होगा आप उनको ले जाइएगा। तो देखते हैं माँ दुर्गा की कृपा से क्या हमें मिलता है गाइस। और इनके बाद आज का दौर तो अभी तक मैं घर भी नहीं पहुंची हूँ क्योंकि मुझे सांबाती भी देना था, आज पहला पूजा है, लेट हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या करूँ, अभी जाऊँगी स्कूटी लेके घर, पहले मंदिर जाऊँगी देखती हूँ, इसके बाद जाऊँगी घर और पूजा वूजा करूँगी। और आज का शेड्यूल ये रहा, मॉर्निंग से इवनिंग तक का फटाफट सारा काम किया, और आज पहला पूजा था तो काफ़ी लेट हो गई थी, और सब काम करने के बाद फिर सब कुछ पूजा पाठ की, फिर खाना खाए, और खाना खाने बाद रेडी होके मैं यहाँ आ गई। तो और ये लोग अभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन का भी काम कर रहे हैं, हम मेरा जो काम था वो हमने कर दिया, बाकी ये लोग अपना इंश्योरेंस और लाइक क्या कागज़ वगैरह रेडी कर रहे हैं, और नीचे स्कूटी भी रेडी हो रहा है। गाइज़ यहाँ पर मुझे स्कूटी लास्टली हैंड ओवर कर दिया गया, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया, और गाड़ी में जो भी करना था वो सब रेडी करके दे दिए हैं। अब मुझे ये की शॉप रहे है, देखिए कि मैं अब यहाँ पर की ले रही हूँ, और मेरे हबी साहब और मेरी बेटी उस साइड थे तो मैंने उन्हें भी बुलाया कि भाई आप लोग इधर आ जाओ, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं, आप मुझे नहीं दे रहे हो बल्कि हम लोग उनसे ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, और इस तरीके से नवरात्रा का पहला दिन हमने स्कूटी परचेज किया और बहुत अच्छा रहा, बहुत शुभ रहा गाइज। फ्रेंड्स तो यहाँ पे स्कूटी ले लिया, और स्कूटी लेने के बाद काफ़ी रात हो गया था, तो फिर हम लोग क्या किए ना कि भाई चलो खाना बाहर ही खा लेते हैं, तो खाना मैं खाने के लिए एक ढाबे पे आई, क्योंकि आप लोग ये सोचोगे कि भाई रेस्टोरेंट क्यों नहीं गई, तो रेस्टोरेंट का खाना तो हमेशा खाती ही रहती हूँ, बोर हो गई थी खा खा के, तो मुझे लगा कि ढाबे का भी टेस्ट लेना चाहिए, तो मैं यहाँ एक ढाबे पर आई हूँ, और वहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत घर जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि घर जैसा खाना खा रही हूँ। तो मेरी बेटी यहाँ पर खा रही है गाइस रबड़ी, और क्योंकि उनको बोली कि मम्मा मुझे रबड़ी ही चाहिए,